मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्य गुरुदेव डोंगरगढ़ चतुर्मास की बात है और 10 लक्षण में गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ और तत्वार सूत्र का वाचन चलता था तो इतना अस्वस्थ हो गया कि गुरुदेव को 103 104 तक बुखार आ गया। फिर पूज्य बड़े महाराज समय सागर जी वाचन के लिए जाते थे, उसी समय की बात है कि और उस समय पूज्य गुरुदेव की केशलोज की तारीख भी उसी समय पड़ी थी। अब जब गुरुदेव का केशलोज था उसके एक दिन पहले आचार्य भगवान ने जल लिया था आहार में और बैठ गए थे। अब अगले दिन केशलोज था, उस समय मल्ली सागर जी थे संग में, विशाल सागर जी थे, हम थे और 4-5 महाराज मतलब आचार्य श्री के साथ केशलोज करते थे। हम सब महाराजों ने ये प्लानिंग करी कि आचार्य श्री ने कुछ भी नहीं लिया है, सीधे सीधे उपवास ही है और अगर बुखार भी बहुत आ रहा है अपने को इरियापद में किसी को केशलोज नहीं मांगना है। सबने तय कर लिया ठीक है केशलोज नहीं मांगना है, अच्छी बात है। किसी ने केशलोज आचार्य भगवान से नहीं मांगे और आचार्य श्री ने भी मतलब उनके उससे ऐसा लगा नहीं कि उनको याद है। हम सब बड़े खुश, आचार्य श्री भी को भी याद नहीं रहा कि कल अपना केशलोज, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव था। शाम हुई दोपहर तक आचार्य भगवान को 99 था और रात हुई 102 103 तक टेम्परेचर पहुंच गया। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत तीनों टाइम स्वयंभू करते हैं, हम लोग तो एक ही बार करते हैं, आचार्य भगवंत तीनों टाइम स्वयंभू करते हैं। तो इतना मतलब तेज फीवर था, फिर सब महाराज लोग बैठे, आचार्य ने भी मतलब बोला लेकिन हम सब लोग सुना रहे थे। अब सुबह रात्रि हुई, रात्रि में करीब लगभग 3-3:30 बजे की बात होगी और लोग कहते हैं ना हम कर रहे हैं गुरुजी की वैयावृत्ति, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने तो देवलोग आते हैं। कौन आते हैं? 103 104 फीवर था, अब देवलोगों ने कैसी वैयावृत्ति करी बताता हूँ। हम वहीं बाहर लेटे थे, 3:30 बजे ब्रह्मचारी राजकुमार भैया जिनको छोटे चाचा बोलते हैं, जानते ना अशोक नगर वाले, वो करीब 4 बजे लगभग आए हमारे पास। महाराज जी, मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले आचार्य भगवंत को इतना पसीना निकल गया है, 2 नेपकिन ऐसे निचोड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं स्वयं गया, मैंने कहा कुछ पैक कर दिया है क्या? बोले नहीं, खुला है लेकिन पसीना कैसे गिर रहा है हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि आचार्य कैसे बिना उसके अपने आप गिर रहा है पसीना निकल रहा है 2 नेपकिन। मैं स्वयं गया वहां जाके देखा कि वास्तविकता में अपने आप कैसे हो रहा है वो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो 2 नेपकिन तो निश्चित तौर से जो है वो गीली हो गई, तब ने मतलब पसीना निकल रहा है। अब सुबह हुई, आचार्य श्री का वो जो बुखार था जो हम सब लोग कर रहे थे, तमाम उपचार सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े वैद्य बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे, लेकिन वो बुखार जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। सुबह हुई, सुबह होने के बाद आचार्य भगवंत नीचे भक्ति के लिए आए, भक्ति के बाद आचार्य श्री ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आचार्य श्री ने प्रसाद सागर जी को बुलाया और प्रसाद सागर जी से कहा राख लाओ। क्या कहा? राख लाओ। जैसे ही राख महाराज जी लेने गए मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया और मैंने प्रसाद सागर जी से कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैंने कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उधर से आचार्य श्री उनको बुला रहे हैं और उधर से मैंने उनको रोक दिया, मैंने आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आचार्य श्री बहुत तेज चिल्लाए, मेरी आंख से आंसू गिर गए, हटो सुनते नहीं हो तू, रटो आन दो उनको, तो बिल्कुल इस प्रकार से बोला, मेरी आंख से वहीं आंसू गिर गए। फिर मैंने महाराज जी को अंदर जाने दिया, कुछ नहीं, हम सब महाराजों ने भी केशलोज तो किए। करने के बाद मैं आचार्य भगवान के पास गया, आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री क्या हो सकता थी एक दिन बाद केशलोज हो जाते, कम से कम एक आहार हो जाता, 3 दिन बाद आगम में लिखाएगा
कि 3 दिन बाद तक कर सकते हैं, तो क्या बात आती, 1 दिन बाद हो जाता। आचार्य जी बोले मैं क्या करूं, सब पूज्य गुरुदेव करा देते हैं। और था फीवर, लेकिन कहाँ फीवर, कैसे फीवर चले गया मैं भी नहीं जानता। और जैसे ही केस लूज हुए वापस तुरंत 103 और 104 बुखार आ गया। ये है जो सच्ची जिसके अंदर आस्था होती है व्रतों के प्रति, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने तो ऊपर से देवलोक भी आते हैं।